एवरीवन, आज हम लोग परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपने लाइफ में, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इतने सारे पेपर होने वाले हैं फ्यूचर में, नेक्स्ट 4 मंथ में सारे पेपर के लिए सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। सिलेबस क्या, पेपर का पैटर्न तक सेम है, जो उसका प्री का पेपर होता है सब कुछ सेम है। अगर एक बच्चा ढंग से पूरे सिलेबस को पढ़ लेता है, ढंग से मॉक टेस्ट दे देता है, रिवाइज कर लेता है, तो उसके सारे एग्जाम एक बार में क्लियर हो जाएंगे। कई बार मेरे से भी सवाल पूछते हैं, कई लोगों से सवाल पूछते हैं कि भैया सर, आप एक बार तैयारी की, आप CGL के भी सारे पेपर पास कर लिए, CPO के भी पेपर पास कर लिए, CHSL के भी पेपर पास कर लिए, क्या रीजन है? तो रीजन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक बार ढंग की तैयारी, नथिंग एल्स, जो लोग करना ही नहीं चाहता है। सिर्फ लोगों को ना चाहिए जादू, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बातें ऐसी मिल जाए, कुछ प्यार भरी बातें मिल जाए, कुछ मोटिवेशन वाली बातें मिल जाए, जिससे मेरा दिमाग जो है ना उसको मैं समझा लूं कि मैं सही हूं। मेरे भाई, मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, क्योंकि जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं टीचर, उनको कड़वी लग जाती है। तो आप लोग तो स्टूडेंट हो, आपकी ब्रेन उतनी डेवलप अभी नहीं हुई है, आप लोग लगेगा मैं ऐसा क्यों बोला। तो अभी आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो नहीं समझते, क्योंकि आज से 2 साल पहले तक मैं भी एक स्टूडेंट था आपके जैसा, और पिछले 1-1.5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जो चीज़ें देखा हूँ, जो चीज़ें सीखा हूँ, तो अभी मैं पूरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता जिस तरीके से लोग करते हैं। इस वजह से मैं ओपन बोल देता हूँ, तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो अभी आप छोटे भाई हो, चीज़ों को समझना, जितना जल्दी आप समझोगे ना उतना ही जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। आ जाओ हम लोग शुरू करते हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। चलो आ जाओ, आज हम लोगों का लेक्चर है इलेक्शन बेस्ड सवाल के ऊपर। अभी तक जितने भी पढ़ाया हुआ है सब कुछ आप लोग रिवाइज करते जा रहे होंगे। 11 के बाद आपको 12वां लेक्चर मिलेगा, और 12वां के बाद आपको 13वां लेक्चर मिलेगा, और 13th लेक्चर में मैं आपको एडिशनल प्रैक्टिस कराऊंगा। क्या कराऊंगा? एडिशनल प्रैक्टिस। एडिशनल प्रैक्टिस हो सकता है थोड़ा सा स्पीड हो सकता नहीं, होगा ही होगा। उस एडिशनल प्रैक्टिस में आपको लगभग मैं 25-30 सवाल अभी लिखता हूं, क्योंकि एक लाइन है और मेरे को लाइन याद है, वो लाइन मैं बहुत लोगों से सिखाऊं, बताऊंगा नहीं किससे सिखाऊं, क्योंकि घर वालों से ही सिखाऊं। वो लाइन है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी, ओवर डिलीवरी। इसका मतलब है कि मैं बोला कि 30 सवाल लेकर आऊंगा आपके लिए 13th लेक्चर में, और मैं 40 लाके करा दिया, तो इससे आप भी खुश होंगे, मैं भी खुश होंगे कि 30 बोला था 40 करा दिया। अगर मैं बोलूं कि 100 कराऊंगा और मैं 50 कराया, तो आपको भी लगेगा कितना झूठा है, 100 बोलता है 50 कराता है, और मेरे को भी लगेगा मैं 100 बोल के 50 ही कराया। तो मैं इस थ्योरी पे चलना शुरू कर दिया हूँ। आज क्या शुरू करते हैं, इलेक्शन बेस्ड। अब मैं बताऊँ इसका इम्पोर्टेंस क्या है, बहुत बातें भी की हम लोग, अब मैं इम्पोर्टेंस बात करूँगा इसका। अगर मैं बात करूँ कि इलेक्शन बेस्ड सवालों के अभी के टाइम में इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप जो CPO का पेपर हुआ था उसको देखाओ, जो CGL का पेपर हुआ था उसको देखाओ, जो CHSL का पेपर हुआ था उसको देखाओ, इन सारे पेपर को देखाओ, तो ऑलमोस्ट एवरी शिफ्ट में आपको एक सवाल देखने को मिल ही जाएगा मेरे दोस्त। समझे कि नहीं समझे? इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सी बात है। अब आपको एक सवाल कभी अच्छे लेवल का दिख रहा होगा और कभी आसान लेवल का दिख रहा होगा। आज हम लोग सवालों के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट होगा ना उसको हम लोग सवालों के माध्यम से सीखेंगे। फटाफट उत्तर देने का कोशिश करो, एक एक चीज का उत्तर आपके टिप्स पे होने चाहिए। सवाल पढ़ने के बाद ना बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मैं बताता हूं क्या क्या चीजें होती है। देखो, एक होती है ना कि आप एक रीडिंग में सवाल पढ़े और सोल्यूशन आ गया, समझ गए कहना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है, उत्तर कैसे आएगा। दूसरा चीज होता है कि आप इसको एक रीडिंग में समझ ना पाके, 2 बार 3 बार 4 बार आपको पढ़ना पड़ रहा है।
फिर उसके डेटा को अंडरस्टैंड करना पड़ रहा है, तो आप ये टाइम टेकिंग प्रोसेस में एंटर कर गए और वहीं पे आपका जो टाइम है ना वो ज़्यादा लग जाता है अदर लोगों से, और जब ये टाइम ज़्यादा लगता है तो सिलेक्शन पीछे हो जाती है कि नहीं है। ये छोटी सी बात है ना, इसी फिलॉसफी पे हम लोग चलते हैं, कोई बहुत तूफानी बात नहीं है। तो आपको कोशिश करना है कम टाइम में समझना है, उसको कम टाइम में सॉल्व भी करना है, समझ गए। अच्छा, सवाल को पढ़ना। बोला है टू कैंडिडेट कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन, वन गॉट 60% ऑफ द वोट्स एंड वन बाय 1600 वोट्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। सवाल है कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीता, डाले गए मतों की संख्या क्या। पहले आपको सवाल के लैंग्वेज को समझना है। अभी मैं बोलू आपको कि 60% मत मिला, तो इसका दूसरा एस्पेक्ट आप समझ रहे हो, दूसरा एस्पेक्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, हलवा नहीं है, समझो। दूसरा एस्पेक्ट इसका क्या है कि 60% उसको मिला, तो जो एक और कैंडिडेट होगा उसको 40% मिला होगा, जो एक और कैंडिडेट होगा उसको 40% ऑफ द वोट्स मिला होगा। मेरे भाई देखो, जितने भी सवाल है सही सही सवाल है। एक बार अभी मैं बेसिक से शुरू किया हूँ तो आपको आसान सवाल पहला मिला है, धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा और CPO, CGL, CHS सबके पेपर देखने के बाद मैं सवाल छाट के लाया हूँ। कोई भी सवाल आपको इलेक्शन बेस्ड आगे से मिलेगा, आप सेकेंडों में कर लोगे, एक अटेम्प्ट में कर लोगे, एक बार धीरे धीरे सीखने पे फोकस करना। मैं बोला कि दो कैंडिडेट थे, मान लेता हूं एक ए था एक बी था। अब मैं बोला कि ए को 60% मिला तो बी को कितना मिला होगा, 40%। वही वाली कहानी है कि एक ग्लास में आधे ग्लास पानी है, तो आप बोलो कि आधा भरा है, आपसे इंफॉर्मेशन पास किया गया। तो आप सेकेंड चीज जो अंडरस्टूड करोगे, जो वहां से आप निकाल के कंक्लूड करोगे, वो है कि वो आधा खाली है, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वही चीज है यहां पे बोला गया है कि 60% वोट मिला एक को, तो दूसरा आप कंक्लूड किए कि दूसरे को 40% मिला। अब ये चीज बोला गया कि एक को 60% दूसरे को 40%, तो जीतने वाले को कितना ज्यादा मिला है, तो जीतने वाले को मिला है 20% ज्यादा। लेकिन वो बोल क्या रहा है कि जो जीतने वाला है वो 1600 वोट से जीत गया, 1600 वोट से जीत गया। तो अब बताइए मतों की संख्या क्या है, मतों की संख्या क्या है, 100%। तो सीधा सीधा 20% का 1600 जो है, 20% बराबर है 1600 के, तो 100% किसके बराबर होगा, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8000। 8000 विल बी द करेक्ट उत्तर। कुछ लोग मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं, भैया फ्रैक्शन से आप नहीं करें, आप सीधा परसेंट परसेंट में ही कर दिए, फ्रैक्शन से क्यों नहीं कर रहे हो आप मेरे भैया? सर फ्रैक्शन से भी करके दिखाओ ना, तो आ जाओ मैं आपको इसको फ्रैक्शन से करके दिखाता हूं। वैसा नहीं, कुछ फ्रैक्शन से तूफानी करना है, मैं चीजों को समझाने के लिए आपको करा रहा हूं। देखो कैसे समझना है, समझो। अभी मैं आपको बोला कि 60% वोट जो है ना वो किसको मिला है, वो मिला है आपको एक को जो जीता है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 3/5। इसका मतलब जो 5 है वो टोटल वोट है, 3 जो है इसको मिला है, तो जो एक बच गया होगा उसको क्या मिला होगा, 2। तो एक को 3 मिला, एक को 2 मिला, जीता कितने से है, 1 से। लेकिन वो बोल रहा है जीता कितने से, 1600 से, तो 1 बराबर है 1600 के, टोटल वोट बराबर है 5 यूनिट के, तो 1 बराबर 1600, 5 बराबर 16 × 5, 8000। बात वही है, यहां पे 20 और 100 था, तो अगर रेशियो काटो तो ये भी 1 और 5 ही है और यहां पे 1 और 5 है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आता। आइदर यू गो विथ फ्रैक्शन और यू गो विथ रियल डेटा, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कि व्हेन यू यूज रियल डेटा एंड व्हेन यू यूज फ्रैक्शन। अभी मैं यहां पर बोलता कि 13.5% था, 11.5% था, 9.5% था, 17.35% था, तो वहां पे दिक्कत होगा, समझ रहे हो ना।
तो चीजों को समझना है। जब आपके सामने 18.75% है, 16.25% है, तो यू शुड गो विथ फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन आपके पास 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे है, तो यू शुड गो विथ परसेंटेज वैल्यू। समझ गए ना? नेक्स्ट सवाल को देखो, उत्तर ऑप्शन टू होगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, इन एन इलेक्शन टू कैंडिडेट हैव पार्टिसिपेटेड, 33.33% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गॉट 60% ऑफ द टोटल वोट्स एंड 1/4800 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट इन द वोटिंग लिस्ट। सवाल यह है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार ने भाग लिया, 33.33 मत को अमान्य घोषित कर दिया। मतलब मान लो 100 वोट होंगे, एक्स वोट होंगे, वाई वोट होंगे, जेड वोट होंगे, के वोट होंगे, कितना भी वोट होगा, उसमें 33.33% वोट को अमान्य घोषित किया गया। फिर वो बोला है कि विजेता को कुल वैध वोटों का, मतलब जो मान्य वोट था ना, उसके 60% प्राप्त हुआ और वो 4800 मतों से जीता। मतदान सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? दो तरीका सिखाऊंगा, दो मेथड में आपको मैं सिखाऊंगा। एक आपको फास्टेस्ट अप्रोच और दूसरा आपको सिखाऊंगा इसका बेसिक। आपको दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करना है। पहले मैं आपको बेसिक को सिखाता हूं। किसको सिखाता हूं? बेसिक को सिखाता हूं। तो बेसिक को समझने पे फोकस करना। बेसिक में बोला कि बेसिक में क्या करना है, पहले आपको जब भी आपके सामने टेढ़ा डेटा है तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। तो आपके सामने क्या था? 33.33%। इसका मतलब क्या होता है? 1/3। अगर 3 टोटल वोट होगा तो एक उसमें से अमान्य हो गया। कहानी तो यही है ना, बोलोगे हाँ। तो उसमें मान्य कितने हुए? 2, और उस 2 मान्य के 60% मिला है जीतने वाले को, तो 40% मिला होगा हारने वालों के। तो फिर जीता कितने से होगा? ध्यान से सुनना। तो एक को 60 मिला, एक को 40 मिला, तो 20% से जीत गया होगा। तो 2 का 20% से जीत गया, तो 4/4800। नहीं समझ में आ रहा इतना तेज ना? आ जाओ, मैं भी धीरे धीरे सिखाता हूं। मैं बोला आपके पास मान लेता हूं कि 1/3 वोट है, 3 वोट टोटल है, एक उसमें से अमान्य हो गया। तो आप अगर इसको मैं 0-0 बढ़ा लूं अपने हिसाब से, क्यों ऐसा कर रहे हो भैया? 1-1 0 ही बढ़ाता हूं, 2 नहीं बढ़ाता हूं, 1-1 0 बढ़ा लेता हूं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। अब बोला मेरे पास 30 वोट है, 10 अमान्य हो गया, तो 30 में से मेरा 10 अमान्य हो गया, तो 20 मेरा मान्य हो गया। 20 का 60% 20 का 60% एक को मिला है, तो इसका 60% निकालो, सीधा सीधा ऐसे करो, 20 का 60%, तो 2×6=12 हुआ, और इसका तब 40% क्या होगा? तो 20 2×4=8, या फिर सीधा 20 से 12 घटा दो, 8 आ जाएगा। अब ये बात आपसे बोला है यहां पर कि जो जीतने वाला है वो 4800 वोट से जीता है, लेकिन 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 यू हैव टू सी कि जो जीतने वाला है वो 4 वोट से जीता है, और 4 यूनिट किसके बराबर है? 4800 के। अब ये 4 यूनिट बराबर है 4800 के, और आपको बताना है 30 यूनिट का वैल्यू, क्योंकि ये 30 जो है यही आपका टोटल वोट है, टोटल वोट आपका यही है कि नहीं है ना? बस एक लाइन का सवाल है कि 4/4800, 1/1200, तो 30/1200 × 30, 36,000 विल बी द करेक्ट आंसर। एक लाइन का चीज था आगे कि जब 4/4800 तो 1/1200 तो 30/30 × 1200, 36,000 विल बी द करेक्ट आंसर। आसान है ना, बोलोगे? अब मैं आपको एक चीज और सिखाता हूं, आपको ऐसे नहीं करना है, इस चीज को नोट डाउन कर लो, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं है। तो क्या करें हम? छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, ऐसे करना ही नहीं है, वैसे करना ही नहीं है, ये करना ही नहीं है, सिखाते का है वो? ऐसे दिमाग में बात आ सकता है, अगर ऐसा आएगा तो पटक के मारूंगा। आ जाओ, आपको एक लाइन में करना है। एक लाइन में कैसे करना है? देखो, मान लिया कि टोटल वोट मेरा एक्स है,
मन में करना एक लाइन में। अब मेरे से बोला गया है, मैं भरबली करना सिखा रहा हूं जल्दी से एक लाइन में, कि 33.33% वोट इनवैलिड हो गया, मतलब 1/3 वोट अमान्य घोषित हो गया। तो जो मान्य वोट है वो क्या है? 1/3 अमान्य, 2/3 मान्य है। 1/3 अमान्य है तो 3 में से 1 अमान्य है, तो 3 में से 2 मान्य है, ये 2 मान्य है 3 में से, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं। ऐसे भी सोच सकते हो कि 33.33% वोट अमान्य है तो 66.66% वोट मान्य है, यही होगा ना? बोलोगे हाँ। तो 2/3 मान्य है। अब अगला लाइन बोला गया कि जो मान्य वोट है इसका 60% मिला जीतने वाले को, 40% मिला हारने वाले को, तो जो जीता वो कितने से जीता? 20% से। तो मान्य वोट के 20% से जीता, लेकिन वो मान्य वोट का 20% है कितना? 4800। तो मन में ये काम करना था कि एक को 60%, एक को 40%, दोनों का डिफरेंस 20%, इसका 20% किसके बराबर आया? वो आया मेरे भाई 4800 के। समझ गए? समझ में आया ना कि नहीं आया? एक को 60 मिला, एक को 40 मिला, दोनों का डिफरेंस 20 आया, 20 से जीता है, तो पूरे मान्य वोट का 20% बराबर है 4800। काटाकुटी मचाओ फटाफट से, 24 बार में कट गया, 24 पांच 120 गुणा 3 36000। कैसे तेज किए? 24 गुणा 5 120, 12 गुणा 3 36, 360 पे 20 आ गया। 24 में 5 से किए, फिर उससे 3 में किए, या फिर ऐसे करना है तो 5 या 15 का पहाड़ा पढ़ दो, 15 चौके 60, 15 दुना 36, 15 दुना 30 36। समझ में आया? ज्यादा बोर कर दिया क्या समझाने में? तेज करा दो। चलो आगे से सवाल हम लोग तेज करेंगे, एक लाइन में करेंगे। कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, मेरे पास एक मैसेज आया कल। अरे रुको बे, पढ़ो, तुम लोग आराम से पढ़ो। एक मैसेज क्या है मैं सिखा बताता हूँ। मैसेज नहीं आया, मैं एक पोस्ट किया था जिसमें ना CHSL का डेट था, CPO का डेट था और MTS का डेट था। मैं उसमें लिखा कि आप अक्टूबर में, मिड अक्टूबर तक मेंस CGL का भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर उसमें मैं एक बात लिख दिया कि देखो बहाने नहीं बनाना, मेहनत करना, कितने भी प्रॉब्लम्स आएंगी सबको इग्नोर करके कंटिन्यू पढ़ना, और इग्नोर कैसे करना? जैसे आपको आपके क्रश किया करती थी, ये लाइन लिखा। इस तरीके से सारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके पढ़ाई करना है, और फिर भी आप अपने दिमाग में क्या सोचते थे, ये भी लाइन लिखा था कि फिर भी आप अपने दिमाग में सोचते थे कि बीवी तो यही बनेगी भाई, चाहे कुछ भी हो। ये बात मैं लिख के पोस्ट कर दिया। एक कमेंट आया कि आपको तो आपकी क्रश मिल गई होगी, आप कम एज में गवर्नमेंट नौकरी ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए। अरे भैया, क्रश तो क्रश होवे बे, क्रश मिल जाए तो फिर क्रश उसका नाम क्यों रहेगा? समझदार नहीं है थोड़ा भी। चाहे तुम अब प्रधानमंत्री बन जाओ और चाहे तुम अमिताभ बच्चन बन जाओ, रेखा नहीं मिली ना उसको, समझ रहे हो ना? चाहे तुम उर्वशी रौतेला हो जाओ, ऋषभ पंत भाव नहीं दिया ना, तो वही वाला कहानी है। अब चाहे तुम कपिल शर्मा बन जाओ, दीपिका पादुकोण नहीं मिले ना, तो वही वाला कहानी है। अब ये हो सकता है, अगला लाइन यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि अब भाई तुम्हारा क्रश हो, भाव भाई नहीं दे रहा हो, आ जाओ, चलो अब पढ़ाई करें ना, इधर उधर की बातें नहीं, बिल्कुल हम लोग बात नहीं करेंगे, पूरा पूरा सीरियस रहेंगे, फोकस रहेंगे पढ़ाई पे। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, 5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 10% ऑफ द वोट्स वेर फाउंड टू बी आइदर इनवैलिड और ऑफ नोटा, द विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड बाय 60% वोट्स इन हिज फेवर एंड वन द इलेक्शन बाय 17,271 वोट्स, फाइंड द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स। क्या है अगला, हिंदी में पढ़ो। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में 5% ने अपना वोट नहीं डाला, 10% वोट या तो अमान्य या नोटा के पाए गए,
जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और 17,271 वोटों से चुनाव जीता। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। कहानी को समझना, दो उम्मीदवार है, बोलो हाँ, 5% लोग वोट डाला ही नहीं, पहला लाइन है। फिर बोला 10% वोट या तो अमान्य या फिर नोटा हो गया। फिर बोला कि जीतने वाले को 60% वोट मिला। वो जो 60% वोट मिला और वो जो जीता है, वो जीता है 17,271 वोट से। चार चीज आपके सामने है। पहला चीज है कि 5% वोट अमान्य हुआ, दूसरा है 5% वोट नहीं डाला, 10% अमान्य हुआ, जीतने वाले को 60% मिला, जीता इतने से। यही चार चीज है ना। इतना सवाल पढ़ने की नीड थी नहीं, एक लाइन में करते हैं। मान लिया टोटल वोट एक्स था, 5% अमान्य हो गया तो 95% तो मान्य होगा ना, बोलोगे हाँ। मैं बोला कि 5% वोट नहीं पड़ा तो 95% तो पड़ा ना, बोलोगे हाँ। तो 95% का मतलब क्या होता है, 19/20, 95/100 कर दो, आसान है। अगला लाइन बोला कि जो वोट पड़ा उसमें से 10% इनवैलिड हो गया। ब्रेन को बोलो कि 10% इनवैलिड हुआ है तो 90% वैलिड हुआ ना, बोलोगे हाँ। तो 90% वैलिड हो गया, 90% को मैं लिख दिया 9/10। अगला लाइन समझो, बोला है कि विनिंग कैंडिडेट 60% वोट रिसीव किया। अब विनिंग को 60% मिला तो हारने वाले को 40 मिला ना, बोलोगे हाँ। तो जीता कितने से, 20% से। तो वो जीता 20% से, तो 20% का वैल्यू क्या होगा, 1/5। और ये बराबर किसके होगा मेरे दोस्त, 17,271 के। खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। आजा काटा गोटी मचाओ, सीधा सीधा काटो 19 से, 19 × 171 एक बचेगा 0, 19 × 171 9 से काट दो, 101 बार हो गया। 20 × 5 = 100 × 0 1000 से मल्टीप्लाई करो 101 में, 101,000 विल बी द करेक्ट आंसर। 101,000 मत उसमें था, समझ गए। चलो नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करने का कोशिश करो। In an election between two candidates, Ravi and Amit, 11.11% voters didn't participate in the voting. 12.5% votes were declared invalid, and the winner got 60% of the total valid votes and won by 7,000 votes. Find the total number of voters in the voting list. Do umidwar. रवि और अमित के बीच एक चुनाव में 11.11% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, 12.5% मत अवैध घोषित किए गए, विजेता को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 7,000 मतों से जीता। मतदाता सूची में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहला कहानी है कि इलेक्शन में दो कैंडिडेट है, रवि और अमित। उस इलेक्शन में जितने भी वोटर्स थे उतना लोग 11.11% उसका पार्टिसिपेट नहीं किया। पहला चीज आपको सारे परसेंटेज वैल्यू का फ्रैक्शन आपके दिमाग में घूमना चाहिए। 11.11 1/9, 12.5 1/8, 60% 3/5। ये अगर आपको याद नहीं है फिर आप चाहे कुछ भी करो, कितना भी दिमाग लगाओ, कैसे भी करो, फिर आप टाइम बर्बाद कर ही दोगे। जैसे आपके सामने 11.11% आता है तो आपके दिमाग में 1/9 आए, 12.5% आता है 1/8, अब तो 60 वाला याद हो गया होगा 3/5। ये चीजें क्लियर है ना? आ जाओ, अब हम लोगों मान लिया कि आपको याद है, अब एक लाइन में सॉल्व करना सिखाता हूं। x का मान लिया टोटल वोट x है, मानो नहीं मानो आपकी मतलब है, x x होती है भाई, x को चलो आ जाओ, कुछ नहीं बोलेंगे, दुख होता है, दर्द धड़कन का तेज हो जाता है। 11.11% का मतलब क्या है, 1/9। तो आपको पता चला कि टोटल वोट का 1/9 वोट पड़ा ही नहीं, तो पड़ा कितना, 8/9। 1/9, 9 वोट था, 1 पड़ा नहीं, तो पड़ा कितना, 8 वोट पड़ा 9 में से, हर 9 में से 8 वोट। अगला लाइन है कि जो वोट पड़ा उसका 12.5% इनवैलिड हो गया, तो 1/8 इनवैलिड हो गया,
तो हर आठ में से एक इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हुआ मेरे मित्र? 7/8। अब आगे बोला कि जो वैलिड वोट था उसका 60% विनर को मिला, तो 40% हारने वाले को। तो जीता कितने से? 20% से। तो 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। लेकिन ओरिजिनली वो जीता कितने से है? बोला गया इस वैलिड के 20% से जीता, तो इस वैलिड का 20% से जीता, लेकिन वो जीता है 7000 से। तो इस वैलिड का 20% 7000 के बराबर है। उत्तर आपके चरणों में आ गए हैं, 8 से 8 खत्म, 7 से 7 खत्म, 9 × 5 = 45 × 1000। एक्स बराबर आपके आया 45000 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौनो दुख कौनो दर्द तो नहीं है ना, आसानी से हो ही गवा ना। अगला सवाल पे आ जाओ, अगले सवाल को करने का कोशिश करो, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका उत्तर, क्या आएगा इसका उत्तर। इन एन इलेक्शन बिटवीन द टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, 30% वोटर डिडंट पार्टिसिपेट इन वोटिंग, 400 कास्टेड वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड द विनर गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड 1/500 वोट्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। देखो सवाल को पहले हिंदी में पढ़ने का कोशिश करो। क्या है कि दो उम्मीदवार ए और बी के बीच में एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। फिर बोला गया डाले गए 400 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया। फिर बोला है विजेता को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुआ, और विजेता तो विजेता है, 500 वोटों से जीत गया। तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या बताओ, कर लो फट से, कर लो फटाफट से कर लो। पहला चीज आपको बोला है कि ए और बी में 30% मतदाता मतदान में भाग नहीं लिए, तो आपके ब्रेन में क्या चला? 30 नहीं लिए, 70 लिए, 7/10 लिए। लेकिन 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 भैया ध्यान से सुनिएगा कि 400 और हो गया है गड़बड़। गड़बड़ यह हुआ कि यहां परसेंटेज है, यहां नंबर है, यहां फिर परसेंटेज है, फिर यहां नंबर है, तो गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो बहुत आराम आराम से सवाल के भाषा को आपको समझने का कोशिश करना होता है। जहां से थोड़ी सी भी आप मिस कर रहे हो, किसी एक वर्ड को मिस कर गए, उत्तर गलत आ जाएगा। मैं बहुत लोगों को देखा हूं आके बोलते हैं ना कि सिली मिस्टेक हो गया, आता सब था, सिली मिस्टेक हो गया, यहां पे सिली मिस्टेक हो गया, वहां पे सिली मिस्टेक हो गया, ऐसे सिली मिस्टेक हो गया। वही सिली मिस्टेक आपको बचाना है, उसके लिए ना आपको छोटी 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 चीजों पे ध्यान देना होगा, समझ रहे हो ना। वही छोटी चीज क्या होती है? सिली मिस्टेक। मैं देखता हूं बोलते हैं कि आता सब था, 25 में 25 अटेम्प्ट किया था, 2 गलत हो गए, 3 गलत हो गए। लैंग्वेज ही है जो गलत कराता है। देखो अब है आपका क्या कि 30% वोटर पार्टिसिपेट नहीं किए वोटिंग में। मान लेता हूं मेरे पास एक सी वोट था, 30% पार्टिसिपेट नहीं किए, तो 70% तो पार्टिसिपेट किए, बोलोगे हाँ। अब 30% पार्टिसिपेट नहीं किए तो 70% किए, या फिर आप ऐसे बोलोगे 30% होता है 3/10, तो हर 10 में से 3 नहीं किए तो हर 10 में से 7 किए। अगला लाइन बोला है कि ये जो पार्टिसिपेट किए थे इसमें से 400 वोट को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो मेरा वैलिड वोट हुए कितना हुए? इतना हुए। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं। क्लियर है ना? बोलोगे हाँ। सब कुछ क्लियर है? बोलोगे एकदम हाँ। अब जो बोला कि जो वैलिड वोट था उसका 75% जीतने वाले को मिला है, 25% उसको हारने वाले को मिला है, तो जो जीता है वो कितने से जीता है? 50% से। तो जो वैलिड वोट था उसका 50% से जीता है, तो किसके बराबर है? 50% 500 के बराबर है। तो इसका 50% हो गया 1/2, और ये 1/2 बराबर किसके होगा? 500।
दो से इधर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, हजार। देखो इसको वर्बली कैसे सॉल्व करेंगे, दो से मल्टीप्लाई किया हजार, 400 जोड़ा 1400, सात से काटा 200, दो गुणा 2000 है ऑप्शन में, हाँ है। इतना तेज करना सीखो, करना सिखाता हूं। करोगे क्या, एक से इंटू 7/10 माइनस 400 बराबर क्या होगा, 2 × 5 1000। इस 400 को इधर ले जाके ऐड कर दो तो टोटल वोट का 7/10 आपके बराबर होगा 1400 के। 7 से काटा दो बार में तो x by 10 बराबर हो गया 200 के, तो टोटल वोट बराबर होगा 2000। 2000 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो आगे के सवालों में ना आपको थोड़ा सा लैंग्वेज को और क्रिटिकल किया गया है, उस क्रिटिकलिटी को आपको समझना है। अगर आप क्रिटिकल कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, क्रिटिकल एस्पेक्ट नहीं समझोगे, इधर उधर में घबराए रहोगे तो नहीं होगा। जल्दी 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 जल्दी, मेरे पास एक मेरा हैबिट था बताता हूँ क्या, और शायद वही हैबिट था ना जिस वजह से कुछ और आगे गलतियाँ मैं करते जा रहा हूँ। मेरे पास पेशेंस नहीं था। जब भी सवाल सामने आता था या फिर मैं मॉक देने बैठता था या फिर मैं पढ़ने बैठता था, कोई डाउट मैंने से पूछता था तो मैं हड़बड़ा जाता था, अभी अभी जल्दी जल्दी बनाऊंगा। उस जल्दी जल्दी में कुछ पॉइंट मिस कर जाता था, उस जल्दी जल्दी में कोई लाइन मिस कर जाता था। जैसे लिखा गया है 1 hour 40 minutes, तो मैं 1 hour 40 minutes में 1 hour मिस कर गया, 40 minutes सिर्फ पढ़ा जल्दी जल्दी, क्योंकि 1 ऐसे लिखा था, अगर 1 ऐसे लिखा रहेगा तो मैं नहीं मिस करूंगा। तो एग्जामिनर का जो काम था यही सब करना, और मैं ये सब गलती कंटिन्यू करता था। और मैं मानता हूँ कि मैं जब तक पढ़ा ना तब तक ये गलतियाँ बहुत बार किया, और यही रीजन रहा कि मेरे कभी 200 में से 200 फुल मार्क्स नहीं आए। मैं जिनके डाउट सॉल्व करता था, जिनको मैं मैथ सिखा देता था, जिनको बहुत हेल्प करता था, वैसे एक दो लोग को जानता हूँ जिनके 200 में 200 आए, मेरे खुद के दोस्त थे, बस उन लोगों को सिखाने नहीं आता था, वो खुद सॉल्व कर लेते थे। मेरे पास एक और कला थी, आर्ट ऑफ टीचिंग, कि मैं सिखा भी लेता हूँ उतना ही प्रॉपर वे में, और भले 200 में 200 नहीं आए लेकिन मेरे हर बार अच्छे स्कोर रहे हैं, कभी मेरे कम नहीं रहे हैं, ऐसे ही स्कोर रहे, मतलब 190 प्लस ही रहा है हर बार 19-20-21 में। तो मैं आपको चीज़ें जो सिखाऊंगा ना उसके हर एस्पेक्ट को सिखाऊंगा, मैं इवन ये भी सिखाऊंगा मैं कहाँ पर मिस्टेक करता था, आपको कहाँ पर मिस्टेक नहीं करना है, आपको लोग कहाँ पर फंसते हैं जहाँ आपको नहीं फंसना है, मैं ये सब चीज़ें भी डिस्कस करता हूँ, और वही आपको डिफरेंट बनाती है अदर लोगों से, और वहीं पे आप आगे जाके फुल स्कोर करते हो, अच्छा मार्क्स लाते हो, अच्छा रैंक लाते हो, समझ रहे हो ना। आ जाओ बेटा, बेटा बोलता हूँ तो बुरा लगेगा आप लोगों को, क्योंकि बोलते हो एज मेरा कम है, तो आ जाओ मेरे भाई मेरे दोस्त। बेटा मुँह से निकल जाए तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को देख के मेरे को अजीब सा आता है प्यार। मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो मैं अपने आप को मानता हूँ मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे, मैं उनको सिखा रहा हूँ, इसी वजह से मेरे मुंह से बेटा बच्चा निकल जाता है, तो बुरा नहीं मानना। 8% ऑफ द वोटर्स इन एन इलेक्शन डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स इन दिस इलेक्शन, देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट, द विनर ऑब्टेनिंग 48% ऑफ द टोटल वोट्स, डिफीटेड हिज कंटेस्टेंट बाय 1100 वोट्स, द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द इलेक्शन वाज। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता ने कुल मतों का 48% प्राप्त करके अपनी प्रतियोगी को 1100 मतों से हराया, चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या थी। अभी देखो, अब पहला चीज यहां पे आपको सवाल के लैंग्वेज को पकड़ना है। मैं इतना जो बातें बताया ना, बहुत लोगों को टाइम वेस्ट लग रहा होता, हो सकता है कुछ लोग सुने कुछ लोग नहीं सुने, ध्यान नहीं दें, उनको इसीलिए बताया। देखो सवाल को समझना, यहाँ पे पहले बोला कि 8% वोट कास्ट नहीं किया गया, फिर बोला है कि 2 लोग थे इलेक्शन में और जो जीता है वो 48% ऑफ टोटल वोट जीता है, वो बचे हुए वोट का 48% नहीं पाया है, वो जो टोटल वोट था उसका 48% पाया है। ध्यान से देखो, मैं लिख के दिखाता हूं। मान लिया कि 100 वोट थे, इसका 8% वोट इनवैलिड हो गया तो 92% वोट बचा, बोलोगे हाँ। अब बोला है ना कि जो विनर है और एक जो लूजर होगा,
विनर को टोटल वोट का 48% मिला है। अभी टोटल 100% वोट था, इसका 48% इसको मिला है। अब लेकिन वोट पड़ा कितना है, 92%। 48 विनर को मिला, तो लूजर को कितना मिला होगा, तो 92 पूरा पड़ा था, 48 इसको मिल गया, तो 92 - 48 कितना होगा, 44। बस यही छोटी सी बात आपको ध्यान देना था इस छोटे से लाइन। अगर आप हड़बड़ाहट करते तो एरर हो जाता। अब आपको पता चला कि जीतने वाला कितने से जीता है मेरे भाई, तो 4% से। लेकिन जीतने वाला जीता कितने है ओरिजिनली, तो ओरिजिनली वो जीता है मेरे सर 1100 से। तो 4% बराबर है 1100 से, तो 100% किसके बराबर होगा, 4 से काटा 1% निकालूंगा, 4 × 2 = 8, 4 × 7 = 28, 4 × 5 = 30, 200, 4 × 5 = 20, 75। 100% बराबर होगा, दोनों तरफ 2 जीरो लगा दो, तो 100% बराबर हुआ 27,500। 27,500 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल को करने का कोशिश करो, थोड़ा सा और क्रिटिकल बनाने का कोशिश किया गया है यहां पे, समझने का कोशिश करना, ध्यान से सवाल को पढ़ना, उसके बाद एक आधे सवाल हो सकते हैं और होंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मूव कर जाएंगे। इन एन इलेक्शन 10% ऑफ द वोटर्स ऑन द वोटर्स लिस्ट डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स एंड 60 वोटर्स कास्ट देयर बैलेट पेपर ब्लैंक, देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स, द विनर वाज सपोर्टेड बाय 47% ऑफ द वोटर्स इन द लिस्ट एंड ही गॉट 308 वोट्स मोर देन हिज राइवल, द नंबर ऑफ वोटर्स ऑन द लिस्ट वाज। सवाल ये बोला गया है कि एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, 60 मतदाताओं ने अपने मन पत्र खाली छोड़ दिए, मत पत्र, केवल 2 उम्मीदवार थे उसमें, विजेता को सभी मतदाताओं के 47% का समर्थन प्राप्त हुआ, विजेता को 47% टोटल वोट का मिला, और उसने अपनी प्रतिद्वंदी को 308 वोट से हरा दिया, या फिर उससे 308 वोट अधिक मिला, तो सूची में मतदाताओं की संख्या क्या है, कैसे करोगे मेरे भाई। देखो, मैं बोला कि 100% टोटल वोट था, इसमें से 10% तो सीधा सीधा इनवैलिड डिक्लेयर हो गया, मतलब वो पड़ा ही नहीं, इनवैलिड नहीं है ना, 10% ऑफ द वोटर ऑन द वोटर लिस्ट डिड नॉट कास्ट, वो वोट दिए ही नहीं 10%, तो 90% वोट दिए। अब जो 90% वोट डला था उसमें से भी 60 वोट इनवैलिड हो गया, अमान्य हो गया। अब देखो, परसेंट में आप सोचे हो, यहां नंबर में है, एरर नहीं करना, ऐसा नहीं करना कि 90% वोट था इसमें से भी 60 घटा दिया तो 30% वोट वैलिड है, यह गलत है। परसेंट अलग होता है और नंबर अलग होता है। यहां मैं कर दूं 100x, 10x, 90x, तो ये 60 नंबर अलग है, ये गलती आप नहीं करना, बेसिक सी मिस्टेक हो जाती है, बहुत लोग हैं जो कर देते हैं, तो मैं सिखा दिया। अब देखो, 90% में से 60 वोट जो हुआ इनवैलिड हो गया, चाहे मैं नीचे करता हूं इसको माइनस, तो आपको क्या मिला, ये आपको वैलिड वोट मिला। देखो ये क्या है, टोटल वोट, ये क्या है आपका वोटेड, टोटल वोटेड कितना वोट पड़ा उसमें से, ये क्या है आपका वैलिड वोट, और ये क्या है आपका इनवैलिड वोट। अब देखो, ये आपका जो है वैलिड वोट में से आपको पता चला दो जगह बटा होगा, एक बता होगा जीतने वाले को और एक मिला होगा हारने वाले को। समझ में आ रहा है ना, आसान है, बहुत आसान है, 3 बार चिल्लाओ। अगला लाइन बोला कि 47% जो टोटल वोट का है वो विनर को मिला है, तो टोटल वोट कितना था 100%,
इसका 47% विनर को मिला। अब 90% माइनस 60 वोट पूरा पड़ा था, उसमें 47 इसको मिल गया, तो इसको कितना मिला हुआ, तो ये माइनस ये, तो घटा दो 90% माइनस 60 से माइनस कर दिया 47%, तो जो आया क्या है 90 माइनस 47 43% माइनस 60। ये आपके जीतने वाले थे, ये आपके हारने वाले थे। अब मैं बोलूं कि जो जीता है वो कितने से जीता है, तो जीता है ये माइनस ये, तो 47% माइनस 43% माइनस 60। तो मैं इसे घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, घटाने में मिस्टेक नहीं करना, मैं बताता हूं क्या मिस्टेक हो जाएगा। मिस्टेक ही हो जाएगा, घटाओगे 47 माइनस 43 4% और 60 को 60 रख लोगे, लेकिन वो 60 ना जब आप घटाओगे तो प्लस का 60 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस 4% प्लस। तो मैं घटाया तो क्या मिला 4% प्लस 60, और ये इतने वोट से जीता है, लेकिन ओरिजिनली जीता कितने से, 308 से। तो 4% प्लस 60 बराबर है 308 के, तो 4% बराबर है 308 माइनस 60 248 के, तो 1% बराबर है 4 6 के 24 4 2 8 62 के, तो 1% 62 के बराबर हुआ। तो आपसे बोला गया टोटल वोट बताओ, तो 100% क्या होगा, 62 गुणे 100 6200। ऑप्शन टू 6200 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो आज सारे इलेक्शन वाले सवाल मैं करा दिया, एक सवाल आपके सीपीओ का आया हुआ, मैं आपको होमवर्क देके जाता हूं, इस सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगला क्लास हम लोग कमीशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और टैक्स बेस्ड में दो टाइप के सवाल थे, एक टाइप का मैं ऑलरेडी करा चुका हूं और एक टाइप हम लोग यहां पे करेंगे। तो जल्दी से ये लेक्चर देने के बाद मैं परसेंटेज खत्म कर दूंगा, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं, टाटा बाय बाय गुड नाइट। आने वाले क्लास में बढ़िया से पढ़ते रहो, जल्दी से सिलेक्शन लो, घर वाले को मुंह देखते रहो। ऐसा क्यों बोला घर वाले को मुंह देखते रहो, क्योंकि अगर जितना ज्यादा बाहर से मोटिवेशन देखोगे ना, बाहर से जितना ज्यादा मोटिवेशन लेने का कोशिश करोगे ना, उतना ही ज्यादा परेशान रहोगे। एक बार जब आप घर वालों को देख लोगे, घर वालों को समझ लोगे, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। घर की दुख को, घर के दर्द को, बहुत लोग होंगे जितने लोग तैयारी कर रहे हैं, चलो मैं कुछ बातें बता देता हूँ, आखिर के एक दो मिनट आपको हो सकता है वेस्ट लगे तो आप बंद करके चले जाओ, जिसको लगता है सुनना चाहिए तो सुन लो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ। तो कुछ लोग का घर होगा ना टूटा होगा, दरारें पड़ी होगी, कभी बारिश के मौसम में ना बारिश आता होगा तो पानी भी चूने लगता होगा, और बेड भी होते हैं बहुत कम होते हैं। कई बार क्या होता है ना, घर में जब छोटा सा घर होता है और थोड़ा परिवार बड़ा होता है, तो कुछ लोग बेड पे सोते हैं, जैसे पापा बेड पे सो गए, मम्मी नीचे सो गई, कोई लड़का ऊपर सो गया, कोई लड़की नीचे सो गई, मैं ऐसे करके सोते हैं, तो नीचे सोना पड़ता है। सोचो बारिश का मौसम हो, कुछ लोग नीचे सो रहे हैं, पानी अगर घर में घुसता है तो क्या होता, रात को ना रात भर बैठ के गुजारना पड़ता है। और वैसे परिवार से आते हैं तैयारी करने वाले लड़के, और मैं फिर भी देखता हूँ वो लोग टाइम वेस्ट करते हैं, बहुत बार देखता हूँ, वो घर वाले के बारे में भूल जाते हैं, उनको ये भी याद नहीं रहता कि उनका घर में पानी चूता है तो उनके सोने का दिक्कत होता है। अब सोचो सबसे बेसिक नीड है खाना खाना, सोना, शरीर पर कपड़ा होना, इन सब चीज़ की परेशानियाँ होती, और फिर भी लोग टाइम वेस्ट करते हैं, समय बर्बाद करते हैं, और वो लोग घर जाते हैं तो घर पर रुक नहीं पाते क्योंकि वो देख नहीं पाते, तो घर छोड़ के भाग आते हैं शहर में अपने दोस्तों के पास टाइम वेस्ट करने, बर्बाद करने। भाई समझो, सबका अलग अलग स्ट्रगल रहा होगा, सबकी कहानी अलग अलग होगी, सबके प्रॉब्लम्स अलग अलग होंगे, लेकिन ना सबका लक्ष्य एक ही है कि जॉब लेना है। तो जो जितना अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहेगा, डेडिकेटेड रहेगा, उसको ही सिलेक्शन जल्दी मिलेगा। तो मैं अभी के लिए इतना ही करता हूँ, मिलते हैं अगले क्लास में लेक्चर 12 में, उसके बाद लेक्चर 13 लंबा किसी संडे को हम लोग रखेंगे, 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे का लेक्चर,
और मैराथन टाइप पूरा परसेंटेज उसमें रिवाइज हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, गुड नाइट, बाय, टाटा। आई होप आप लोग मेहनत करोगे अच्छे से।